हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और न्यू व्लॉग सर की दुनिया में। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम लोग कुछ नया नाश्ता बनाने वाले हैं। तो ये एक रेसिपी है जो कि बनकर रेडी हो जाएगा एकदम चुटकी में। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन और हम लोग खाने वाले हैं नाश्ता में। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। सो जब तक आप जाओगे नीचे और जाकर नीचे से क्रिस्पी चिकन खरीद कर लाओगे, मार्केट से मंगवाओगे, आप उतने टाइम में ही घर पे बना सकते हो इजीली क्रिस्पी फ्राइड चिकन। सो चलिए हम लोग बनाते हैं। एंड हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा जैसा फील आने लगा है, ठंड बढ़ने लगी है यहाँ पे। शाम के टाइम हम लोग सारा जो खिड़कियाँ नॉल है वो सब बंद कर दिए। उसके लिए से सेफ ये मैंने मेहंदी लगाया था 2 दिन पहले और अच्छा खासा कलर आया था, मैंने बस ट्राई किया था। ये अब निकलना शुरू हो गया है। चलिए बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे अच्छे से हमारे चिकन को वॉश करके रख लिया है और अब हम लोग इसमें लगाएंगे कट, जो कि हम लोग यूजुअली लगाते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा तो मैं सबसे पहले चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए इसमें कट लगाती हूँ, सो दैट जो भी हमारा मसाला है वो अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम लोग इसे मैरिनेट करेंगे ये वाले रेडी टू मिक्स मैरिनेशन पाउडर से, जिसका नाम है शेफ़ आर्ट के तरफ से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग इजीली इसको मैरिनेट कर सकते हैं। आपको बस डालना है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और रेड मिर्च पाउडर और कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप लोग मैदा भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, हमने काट लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं चिकन को अच्छी तरीके से हमने काट लिया है। और अब मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा पानी और हम लोग करेंगे इसको मैरिनेट। मसाला को डालते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, मैंने इसका पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम लोग इसे डालेंगे हमारे चिकन में और फिर इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इसे रेस्ट में रख सकते हैं 5-10 मिनट के लिए, और अगर नहीं है तो आप लोग इजीली सेकेंड प्रोसेस में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड स्टेप। यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है मैदा और हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ा सा हमारा रेडी मैरिनेटेड जो पाउडर है वो डालेंगे थोड़ा सा। आप लोग इसमें डाल सकते हैं नमक और रेड चिल्ली पाउडर, और अगर आप लोगों को मैदा नहीं पसंद है तो आप लोग इंस्टेड यूज़ कर सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स का चूर करके आप लोग डाल सकते हैं, और या फिर ब्रेड क्रम्स जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे आप लोग को पसंद हो, आप लोग उस तरह से आप लोग उस कुछ चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के लिए हम लोग हमारा मैरिनेटेड चिकन को लेंगे, जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको हम लोग डिप करेंगे ये मिक्सचर में। कोटिंग पूरा कर लेना है इसको अच्छी तरीके से, इस तरह से हम लोग कर लेंगे कोटिंग। कोटिंग करने के बाद मैंने लिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से पानी। अब पानी में हम लोग हमारे चिकन को इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद निकाल कर
एक बार और कोट लगाएंगे। हमारा कोट लग जाने के बाद जो एक्सेस रहेगा उसको हम लोग इस तरह से गिरा लेंगे। ये इस तरह से हो गया हमारा कोटिंग रेडी और हम लोग इस तरह से इसमें रख देंगे। और इसी तरह से हम लोग बाकी का चिकन भी है वो रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हैं हमारे फाइनल स्टेप के लिए। तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें डालेंगे हमारा चिकन और करेंगे डीप फ्राई। सो फ्रेंड्स, हमें इसे 5 मिनट इसे ऐसे होने देना है, ये अपने में फ्राई होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसे थोड़ा पलट देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे चिकन को पलट दिया है, अब हम लोग इसे 2-3 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। 5 मिनट तो नहीं लगा, 10 मिनट लग गया और ये इस तरह से हमारा चिकन दिख रहा है। अब अच्छा सा कलर भी आ गया है, खुशबू भी अच्छा आ रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ये रेडी है खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये बन गया है हमारा क्रिस्पी चिकन, बिल्कुल रेडी हो गया है। कलर बहुत अच्छा आया है और आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट बना है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो इतना जूसी है। सो ये हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे खाएंगे। बहुत अच्छा बना, मतलब इतना अच्छा बन गया था जाता, मुझे समझ नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ये हमने बना लिया तो अब हम खाएंगे इसको। और अगर आप लोगों को भी बनाना है तो आप लोग भी ट्राई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं क्रिस्पी चिकन। हम लोगों ने तो इस तरह से बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।